हेलो एवरीवन, फिर एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अजमेर से के कुछ दूर चल के हम आ चुके हैं खामली घाट, और हम आज जाने वाले हैं राजस्थान के हिमाचल में। राजस्थान का हिमाचल बोले तो एक जगह है राजस्थान में राजसमंद के अंदर, अजमेर से 150 किलोमीटर की दूरी पर गोरम घाट। गोरम घाट बहुत फेमस है, बारिश के समय बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है क्योंकि वहाँ पे झरने वगैरह चलते हैं और पिकनिक स्पॉट है। और यहाँ खामली घाट से एक ट्रेन जाती है, जो आप देख सकते हैं छोटी लाइन है, यहाँ से एक ट्रेन जाती है जिसमें हम बैठ के हम जाएंगे। गाड़ी हमने पार्क कर दी है बाहर, तो वहाँ जाके थोड़ा इंजॉयमेंट करेंगे। आज हमारे एक भाई का बर्थडे भी है तो मिलवाता हूँ मैं। हम ये 5 लोग हमारा जा बर्थडे रहे हैं, ये बॉय हमारा बर्थडे बॉय है, इसका बर्थडे है, तो वहाँ जाके भाई। सेलिब्रेट करेंगे हम। तीरस भी आया है लेह लद्दाख की वीडियोज़ में, आगरा की वीडियोज़ में, आओ आप सर इनको आओ, थोड़ा देखेंगे। वो सामान उतरवा लेह दूँ। लद्दाख की वीडियो तो भरी बहुत लेट आएगी, चलो सामान और उतरवाओ, साथ में मेरे ये जीजू सामान हैं, निखिल उतरवाओ। भैया हैं, तो हम 5 लोग हैं जो जाने वाले हैं गोरम घाट। तो दोस्तों आप देख सकते इतने हैं समय पे सामने कबड्डी कौन उदयपुर से खेलता ग्रुप है? आया है जो कि हमारे साथ गोरम घाट जाने वाला है, ट्रेन का भी वेट कर रहे हैं। जहाँ कह रहे हैं गोरम घाट। तो गए सुबह जल्दी निकले थे घर से, तो अभी हम नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। नाश्ता के पूरा खाने खा रहे हैं, पेट भर के उसमें नॉट स्टार्ट। दोस्तों जो ट्रेन चलती है वो मावली से चलती है और मारवाड़ तक जाती है। अभी जो हम हैं वो खामली घाट पर हैं। मावली से मारवाड़, मारवाड़ से मावली, ये ट्रेन चलती है, और खामली घाट पे हम आए हैं अजमेर से 150 किलोमीटर चलकर। तो गाइस ये हमने टिकट ले ले चुके हैं 30 रुपीज़ का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 30 रुपीज़ का टिकट है। ट्रेन अभी और लेट है तो अभी हमें और वेट करना पड़ेगा। भाई लोग बैठे बैठे हैं। अविनाश यार, व्हाट हैपेंड यार, ट्रेन अभी तक नहीं आई यार। तो टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा, कुछ अच्छी जगह जा रहे दो हो। स्प्राइट खत्म कर दी मैंने लेकिन मेरी ट्रेन नहीं आई। तो दोस्तों एक सफ़र की शुरुआत होती है बहुत ही कठिनाइयों से, ट्रेन बदलो, पैदल चलो, ऑटो करो, लेकिन जब हम हमारी मंजिल पे पहुंचते हैं उसके बाद जो सुकून मिलता है वो बताया नहीं जा सकता, वो खाली महसूस किया जा सकता है। जैसे हम ले चले थे तो वहाँ पे कितना, हाँ वहाँ रात को हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे, सुबह तक हम वहाँ पे बैठे रहे। जब वहाँ पहुँचे ले तो इतना सुकून मिला जो कि हम बयां नहीं कर सकते, बस उसको फील कर सकते। तो आप भी जहीं निकलिए, बाहर घर से बाहर निकलिए, घूमने जाइए, बहुत इंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। गोरम घाट के लिए रवाना हो चुकी है गाड़ी खामली घाट से। भाई लोग भी कहाँ जा रहे हो? भाई लोग तुम भी गोरम घाट जा रहे हैं? भाई लोग कहाँ से आए हो? भाई लोग आए हैं कहाँ से? इंजॉयमेंट करेंगे। आप पहली बार जा रहे हो? पहली बार जा रहे हैं। Thank you.
दोस्तों मैं ट्रेन में आगे आ गया हूँ और पीछे छूट चुके हैं भाई लोग। दोस्तों उतरना पीछे था वाटरफॉल के, वहाँ पे हम गोरम घाट का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आ गए। ये भैया लोग भी हैं, इनके साथ में जा रहा हूँ, और जो मेरे भाई लोग हैं वो वहीं उतर गए पहले। कहाँ से हो भैया आप लोग? हम आए मावली से। मावली से तो पास के ही है भैया लोग। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। राजकुमार जी। राजकुमार जी कहाँ के राजकुमार जी हैं आप? जयपुर से हैं ये। जयपुर से बिल्कुल जी। और आप? मैं सीकर से, हेमंत शर्मा। सीकर से हेमंत शर्मा जी। यार लग तो गवर्नमेंट जॉब वाले रहो आप। बिल्कुल। दोस्तों ट्रेन का सफर बड़ा ही रोमांचित करने वाला था। दो तो सुरंग आई थी और प्रकृति का असली नज़ारा आज देखने के लिए मिला है। अब देखते हैं वाटरफॉल हमें देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है। तो माउली से ट्रेन चलती है और गोरम घाट तक आती है, उसके आगे भी जाती है मारवाड़ तक। तो गोरम घाट रेलवे स्टेशन पर हम उतरे हैं और उतरना वाटरफॉल था। अब चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों हम आ चुके हैं गोरम घाट, और गोरम घाट में आप देख रहे हैं सामने वाटरफॉल हो रहा है। अभी इतना तेजी से नहीं हो रहा है वाटरफॉल, थोड़ा कम है, लेकिन देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया है, काफ़ी इन्जॉय कर लिया है, ड्रोन भी उड़ा लिया है। अब समय आ चुका है वापस जाने का। खामली घाट तक हम वापस जाएंगे, उसके बाद हम कार के अंदर हमारे घर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत इन्जॉय किया होगा इस ब्लॉग को, और शेयर ज़रूर कर देना यार, और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को, और हमें आगे मोटिवेट कीजिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए वीडियो लाते रहें। और लेह लद्दाख का टूर जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग लेह लद्दाख जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टूर है। तो ट्रेन आ चुकी है भाई साहब, ट्रेन ये पीछे हमें आवाज़ आ चुकी है। हाँ भाई लोग क्या बोल रहे हो तुम लोग? माई ट्रैवलिंग डायरी, माई ट्रैवलिंग डायरी। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? राजेश मेवाड़ा। कहाँ से हो? पीपली नगर से। माय ट्रैवलिंग डायरी चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा। रतनलाल कलाल। रतनलाल जी कैसे हो? पीपली नगर कैसे हो? बढ़िया, अच्छा लगा यहाँ के। एंजॉय किया आपने? एंजॉय किया, वेरी वंडरफुल जगह। और दोस्तों ट्रेन, भागो भागो ट्रेन आ गई है। मजा आया नहीं आया? ये भैया है जो हम लोग आगे चल गए थे गोरम घाट रेलवे स्टेशन पे, उतर गए थे, उतरना यहाँ पे था। तो भाई लोगों के सपोर्ट से मैं भी इनके साथ साथ में आ गया था। कैसा लगा घूम के यहाँ पे? बहुत अच्छा। अब वापस किधर जा रहे हो? मावली। मावली, मावली से फतेहनगर। दोस्तों ये वही है जो मैं इनकी लैंग्वेज से पहचान गया था, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। लैंग्वेज से पहचान गया था मैं। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डायरी ये है गोरम घाट, जो की खूबसूरती वादियों के अंदर घिरा हुआ बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट है। हम खामली घाट से गोरम घाट आए हैं। जो ट्रेन का सफर था काफी रोमांचित करने वाला था, चारों तरफ पहाड़ियों के बड़े बड़े नज़ारे, प्रकृति का खूबसूरती आज हमने देखी है। सबसे अद्भुत और रोमांचित करने वाला जो सफर था वो था
खामली घाट से लेके गोरम घाट तक, क्योंकि उसके बीच में कई ऐसी पुलिया आई थी जहाँ से ट्रेन गुजरी है, और कई सुरंग ऐसी आई थी जहाँ से ट्रेन गुजरती है। काफ़ी रोमांचक करता है, अपने आप को अभिभूत करने वाला सफ़र था ये जो कि आज हमने तय किया है। जो भी लोग आने का सोच रहे हैं वो आ सकते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ हरी चादर ओढ़े पहाड़ी का नज़ारा है, और चारों ओर हरियाली हरियाली है। हमने आपको वाटरफॉल भी दिखाया था जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अभी राजस्थान में इतनी बारिश नहीं हुई है इसलिए वाटरफॉल है जो कि कम है, वैसे बहुत ज़्यादा वाटरफॉल होता है और बहुत लोग आते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, ट्रेन में आपको बैठने की जगह नहीं मिलती है, इतनी ज़्यादा भीड़ आती है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो ट्रेन चलती है वो माउली से लेके मारवाड़ तक चलती है, 40 मिनट का आपको समय मिलता है घूमने के लिए। आप माउली से बैठ सकते हैं, खामली घाट से बैठ सकते हैं, और गोरम घाट उतर सकते हैं। गोरम घाट के पहले एक जगह आती है, वहाँ पे भी आप उतर सकते हैं, वो मेन पॉइंट है। अगर हम गोरम घाट उतरे तो आपको वाटरफॉल तक आपको पैदल आना पड़ेगा, जो कि मेरे साथी थे वो तो पहले उतर गए, मैं गोरम घाट रेलवे स्टेशन पे उतरा तो मेरे को पैदल आगे चलना पड़ा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट कौन सा है जहाँ आपको उतरना है, चलिए। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ आपको उतरना है, यही वाटरफॉल है। आप आगे चल जाएंगे तो आपको 1500 मीटर की वापस चल के इधर ही आना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है जोग मंडी प्राकृतिक दार्शनिक स्थल, तो यहीं आपको उतरना है। अगर आप आगे चल जाओगे तो भैया आपके 10-15 मिनट खराब हो जाएंगे। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे यहाँ घूम लेते हैं जल्द से जल्द आप गोरम घाट जो रेलवे स्टेशन है वहाँ चल जाइए, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे रुकती भी है नहीं भी रुकती है, तो रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि ट्रेन उसके बाद नहीं है। तो आप रेलवे स्टेशन आ जाइए, वहाँ से आप बैठ के वापस आप माउली चल जाइए, या जैसे हमको खामली घाट जाना है वहाँ हमारी कार खड़ी है, वहाँ से हम वापस अजमेर की ओर रवाना हो जाएंगे। हाँ भाई, लोगों कैसे लगा घूम के? ओ भाई का बर्थडे। तो कहाँ से हो भाई लोग? ये खामली घाट से। तो मजा आया? कल दोबारा आओगे? रोज आते हो यहाँ? रोज आते हैं भैया, मजे करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं भैया, रोज आते हैं भाई लोग। और मजे टिकट लेके आते हैं दोस्तों। गोरम घाट का सफ़र बहुत ही सुहाना रहा हमारा, बहुत काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब हम आ चुके हैं खामली घाट, खामली घाट से सीधा कार में बैठ के हम जाएंगे घर। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पर जाकर। तो हम आ चुके हैं खामली घाट स्टेशन के बाहर। तो भैया कैसा रहा सफ़र? बहुत मस्त मस्त। कैसा रहा सफर? एकदम मस्त भैया। बिना टिकट के सफर करके कैसा लगा? बहुत मजा आया। टिकट लिया भैया? यार कैसी बात कर रहे हो यार अविनाश भैया। भना भना भना। हाँ, और मजा आ गया, मजा आ गया। और आना, सभी आना जो इस YouTube को चैनल को देख रहे हैं वो सभी यहाँ आना और घूम के जाना, ठीक है? सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मुझे स्पेशली वाटरफॉल से ज्यादा मजा ट्रेन में सफर करके आया, बहुत अच्छा सफर था। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, और जितनी ज़्यादा नॉलेज आप बांटेंगे उतने ज़्यादा सबका फायदा है। तो ज़रूर आइए, अभी अच्छा टाइम है गोरम घाट आने का, तो ज़रूर आइएगा। और वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।